कितनी गलीज, कितनी प्रावर प्रावर गलीज गलीज, वो पेंपरा लाके फेंक रही, वो लाके फेंक रही, कौन बीमार है इसका, कौन जिम्मेदार है वीरो? कुत्ते लाकर जिसकी जमीन है बिल्डिंग बन के रहने दे। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम क्या है? गंदगी हर जाना गलीज है, पूरी गंदगी है। फिर जिसकी जगह है उसको हमें क्या, हमको जगह दियो नहीं बोल रहे क्या? अभी नहीं, जिसकी जगह नहीं चाहे बिल्डिंग बनाता के ना घर बनाता के नहीं बोलते तो स्कूल बना दे, बच्चे स्कूल तो पढ़ते। कितनी गलीज, कितनी प्रॉब्लम गलीज गलीज, वो पेंपरा ला के फेंक रही, वो ला के फेंक रही, कौन बीमार है इसका, कौन जिम्मेदार है फिर? हाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते फिर यहाँ पे, ये हटना चाहिए गंदगी हर जाना। ये भी है हमारे गंदगी, बहुत परेशानी हो रही चीज़ से। परसों दन वो को पानी पड़ा इधर का, ये नाली का पानी चलने गए, दन वो को गिर गया वो कट को, वो लोग भी वैसा ढाप लिया वैसा, दन वो को प्रिपेयर कर जाता था हमारा। किस कौन जिम्मेदार होती, कौन दवा खुल जाती हमें कर को खाने वाले छोटे छोटे बच्चे? ये कितनी गंदगी है, ये हटना चाहिए गंदगी पूरे रोड पे। हाँ पूरे रोड पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं मोहम्मद शमीम अख्तर, हमीलापुर, ये सामने का मेरा मकान है और मकान के सामने यहाँ पे रोड है, दो तरफ दो रोड है और यहाँ हमारे घर के सामने गंदगी का ढेर लगे हुआ है और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पे मकतब भी चलता है और आसपास में पूरी आबादी है। गांव के बीच में ये कचरे का ढेर लगे हुआ है जिसकी वजह से इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ ठहरना मुश्किल हो जा रहा है। और कोई भी हमारे मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, हर किसी का ये कहना है कि भाई घर के सामने क्या गंदगी बना करके रखे। मैं कई बार भी यहाँ के ज़िम्मेदारों से भी रिक्वेस्ट करा और उनसे गुजारिश भी करा कि भाई इनका सफाई करो और इसका कुछ तक मुस्तकिल हल निकालो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं तमाम ज़िम्मेदारों से, पंचायत के मेम्बरों से और ग्राम पंचायत के जो ज़िम्मेदार लोग हैं PDO साहब, उनसे भी गुजारिश है कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकाले, क्योंकि गाँव के बीच में है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और इसकी बदबू की वजह से कितने सारे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इसका कोई मुस्तकिल हल निकाले और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। ये मेंबर हज़रात का भी ज़िम्मेदारी है। और सामने आप रोड पर देखें, नाली में देखें कि पूरी नाली में कचरा भरा हुआ है, ऐसा मालूम हो रहा है सालों से जैसे इसकी सफाई नहीं हुई है। कितने साल से हैं? मैं यहाँ पर तकरीबन 2 साल से हूँ और यहाँ के हमीदलापुर के तकरीबन लोग मुझे जानते हैं और यहाँ पे मैं पहले इमामत भी कर रहा हूँ। ये कचरा तो बहुत दिन से पड़े हुआ है। कितने? 2 साल से? 2 साल से नहीं, तकरीबन 4-5 साल से पहले से पड़े हुआ है कचरा। हाँ कचरा पड़े हुआ है। एक दो बार मैं ये मेंबर जो हैं, क्या नाम, सिराज भाई, उनसे मैं बोला था तो उन्होंने एक दो बार यहाँ की सफाई भी कराए। सफाई कराने के बाद फिर दोबारा लोग ला करके कचरा डालते हैं और मुर्गियाँ जो है फिर पूरे रोड पर फैला देते हैं। आप देखो कोई इंसान रह सकता है क्या? छोटे छोटे बच्चे कैसे रहेंगे यहाँ पे? इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, जो भी ज़िम्मेदार है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसका कोई मुस्तकिल हल निकालें और ये कचरों की सफाई करें और नाली की सफाई करें ताकि जो गंदा पानी है नाली के अंदर बह जाए और रोड पर ना आए। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखो यहाँ सामने देखिए, तमाम घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और ये कचरों के ऊपर खेलता है और देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप जो है इनका कोई मुस्तकिल हल निकालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई है, कोई भी नहीं उठा रहे, ज़रा उठानी उठाने के लिए रिक्वेस्ट है बस।